आज मैं बनाऊंगी आलू मशरूम और मटर की सब्जी। और ट्रस्ट मी, ये इतनी अच्छी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या ही बोलूं। वैसे तो इस सब्जी का ग्रेवी प्याज का होता है, लेकिन हम यहाँ पे सरसों वाली बनाएंगे। यहाँ पे आलू मशरूम और मटर को अच्छे तरीके से धुलकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके लिए सबसे पहले मसाला को तैयार कर लेंगे। तो मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन, जीरा, काली मिर्च और सरसों, ब्लैक वाला सरसों है ये, और एक से दो लौंग और एक छोटा सा प्याज। तो लीजिए, यहाँ पे मसाला भी पीसकर तैयार है। अब चलते हैं सब्जी बनाने की ओर। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो तेल में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद उसमें मशरूम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मशरूम को ना 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। आप यहाँ पे ना मशरूम को बिना फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने पर ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ना मशरूम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे फटाफट से निकाल लेते हैं। तो अभी इसी कढ़ाई में फिर से तेल डाल लेंगे और आलू को भी ना गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब तक आलू फ्राई होता है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आलू हो चुका है फ्राई और यहाँ पे कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम तेल को निकाल लेंगे और फिर इसमें हम डालें 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और जीरा, और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे तरीके से तेल में मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ना सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल लेंगे पीसे हुए मसाले। यहाँ पर ना मसाले के जार में थोड़े से मसाले रह चुके थे, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से घोलकर डाल दिए हैं और इसे ना फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल ही धीमी आंच पे। यहाँ पे मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, मसाले में से तेल भी अलग होने लग गया है। तो अब हम इस स्टेज पे डाल लेंगे कटे हुए टमाटर और इसे ढककर ना 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश मटर और इसे भी अच्छे तरीके से मसालों में कर लेंगे मिक्स। करने के बाद फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद फिर से इसे एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे डालेंगे तो इससे सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भुनकर हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। पानी डालने के बाद मसालों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स और फिर इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मशरूम और आलू। मशरूम और आलू को मसाले में डालने के बाद इसे कर लेंगे मिक्स और फिर इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में इसे चलाते हुए भी रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे कि आलू या मटर अच्छे तरीके से पका है कि नहीं। अगर नहीं पका होगा तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम करेंगे गैस को बंद और इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। यहाँ पे सब्जी को बनने में 7 से 8 मिनट का समय लग गया है। अब ये गर्मा गर्म पूरी, पराठे या चावल के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जाइए और बनाकर खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ।